खबरों में बढ़ते आगे और बात करेंगे सागर की, जहां के बड़ी माता मंदिर के पास चंद्रशिखर वार्ड में कांग्रेस सेवा दल का मासिक ध्वज वंदन संपन्न हुआ। ध्वजारोहण वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व पार्षद प्रभात जैन ने किया। इस मौके पर प्रभात जैन ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि सेवा दल के बिना कांग्रेस अधूरी है। महामारी दुर्घटना के समय सेवा दल अपनी सेवाएं हमेशा देता आ रहा है। भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हमेशा अधूरा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और भारत देश एक दूसरे के पर्याय हैं। कांग्रेस की रीढ़ है सेवा दल। कांग्रेस संगठन आज जो खड़ा हुआ है वो सेवा दल के कंधों पर खड़ा हुआ है। सेवा दल का अपना एक इतिहास है। जब देश में हमारे यहाँ महामारी आती थी, संकट की स्थिति उत्पन्न होती थी, देश में युद्ध, महायुद्ध, गृह युद्ध की स्थिति बनती थी, सेवा दल का सिपाही सैनिक वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। आज हमारी आजादी को और कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, मोदी जी ने जो प्रण किया है कि कांग्रेस भी भारत बनाएंगे हम, यह उनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है।